Good morning student, I'm your teacher Meena. टुडे आई विल टीच यू द इकोनॉमिक्स चैप्टर से इन दिसकस अबाउट द पीपल एस ए रिसोर्स ओके तो पीपल एस ए रिसोर्सेस किसको बोले जाएंगे इन अ वे ऑफ द रेफरिंग ऑफ द कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म देअर प्रोडक्टिव स्किल्स एबिलिटीज ओके लुकिंग एट द पॉपुलशन ऑफ दिस प्रोडेटिविस्टिस

ये सब क्या हो रहे हैं ये हमें कुछ ना कुछ डेवलप करके दे रहे हैं बैंकर्स हमारी हेल्प कर रहे हैं अब आपके चैप्टर में दो स्टोरी है स्टोरी ऑफ द सकल एंड विलास आपको अच्छे से रीड करनी है इन शॉर्ट में आपको बता रही हूँ जो सकल है वो पढ़ लिख कर इंजीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाता है जबकि एक ही गाँव में एक ही गाँव में रहते हैं दोनों पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं पर सकल क्या करता है पढ़ लिख कर इंजीनियर बन जाता है और विलास क्या करता है वो पढ़ता नहीं है अपनी मदर की तरह फिशिंग फिशिंग का काम करता है ओके स्टूडेंट तो दोस्तों दोनों एक ही गांव में है सेम एज के हैं बट डिफरेंस क्या हुआ ड्यू टू द एजुकेशन एजुकेशन से उसने क्या किया अपनी लाइफ को चेंज किया अर्न किया और डेवलप अपने देश के डेवलपमेंट में भी काम किया तो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू रीड द वन टू फोर पेजेस ऑफ दिस चैप्टर और दिस चैप्टर इज मेन इंपॉर्टेंट लेट बी डिस्कस इट पॉपुलेशन ऑफ द नेशन कैन बी असिस्ट रादर देन लाइबिलिटी ओके स्टूडेंट पीपल एज अ रिसोर्सेज रेफर टू ए कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिटिंग प्रोडक्टिव स्किल्स एंड एबिलिटीज ओके स्टूडेंट एक पीपल तभी रिसोर्स बनता है जब वो कोई प्रोडक्टिव स्किल या एबिलिटीज़ होती है जैसे एक टीचर बनने के लिए उसकी जो एक्नोलॉलेज और उसका टीचिंग स्किल्स होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है एबिलिटीज़ होनी चाहिए एज ही डॉक्टर है इंजीनियर है ओके स्टूडेंट वैन एग्जिक्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप्ड बाय द बिकम एजुकेटेड हेल्दी टर्न इन द ह्यूमन कैपिटल ओके स्टूडेंट जैसे सर्कल ने एजुकेशन लिया एजुकेशन लिया हेल्दी भी था वो तो वो कैसचेंज में हो गया ह्यूमन कैपिटल में ह्यूमन कैपिटल इज अ सुपीरियर टू द अदर रिसोर्सेज लाइक लैंड फिजिकल कैपिटल एज इट इज़ यूज देयर कैपिटल एट्स वैल्यू ऑफ दैम ओके स्टूडेंट हमारे पास कितनी भी कैपिटल है सबसे इंपॉर्टेंट कैपिटल क्या है ह्यूमन बींग क्योंकि ह्यूमन बींग के ही द्वारा उन कैपिटल का इंक्रीमेंट होता है इंप्लीमेंट होता है इंक्रीज या डेवलपमेंट होता है सो ह्यूमन कैपिटल इज द सुपीरियर देन अदर रिसोर्स ओके स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट इन द ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन इन मेडिकल केयर गिव हाई रिटर्न इन अ फ्यूचर ओके स्टूडेंट अगर हम इन्वेस्टमेंट हमारे देश में हम बच्चों के लिए अच्छे से स्टडी डेवलप कराते हैं उनकी हेल्थ का पूरा ध्यान रखते हैं तो हमें रिटर्न में क्या उनका ब्राइट फ्यूचर मिलेगा हमारी कंट्री का भी ब्राइट फ्यूचर होगा ओके स्टूडेंट कंट्री एग्जाम्पल जस्ट लाइक ए जापैन जापान हैज़ इन्वेस्टेड ए लॉट इन ह्यूमन रिसोर्सेज दे डू नॉट हैव रिच नेशनल रिसोर्सेज बट स्टिल दे कॉल्ड इट डेवलप नेशन स्टूडेंट जापान जो है एक ऐसा देश है जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स नहीं है वो इम्पोर्ट करते हैं बट उन्होंने क्या किया अपने ह्यूमन पावर को इंक्रीज़ किया विद दी हेल्प ऑफ एजुकेशन विद दी हेल्प ऑफ हेल्थ ओके स्टूडेंट सो human resources is uh, so superior than other resources okay student human beings perform many activities which can be grouped in the economic or non-economic let me start it what do you mean by the economic and non-economic economic related to money and non-economic related to not that not can be in money okay let me start the economic activities refer to the those activities of man which are undertaken for the monetary gain monetary related to money uh, or सेटिसफाई हिज हर वॉन्ट्स अपनी इच्छाओं को पूरा करना द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स फार्मर शॉप कीपर्स मैन्यूफैक्चर डॉक्टर्स लायर टैक्सी ड्राइवर एल फॉल अंडर द द दीज कैटेगरी ओके नॉन मार्केटिंग में क्या आएगा लेट बी स्टार्टेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज आल्सो नो नैसे मार्केटिंग एक्टिविटीज दे रिलेटेड टू मार्केट सो इट कॉल्ड बी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ नॉन मार्केटिंग एक्टिविटीज और प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजपशन ओके स्टूडेंट नो मार्केटिंग में क्या होता है जो सिर्फ अपने लिए ही प्रोड्यूस की जाती है ओके okay? अब जैसे है शॉपकीपर्स हैं डॉक्टर्स हैं लॉयर्स हैं ये क्या है अपना अर्न करते हैं एक मार्केट होता है एक प्लेस होता है एक एरिया होता है ओके okay? अब नॉन इकोनॉमिक क्या हो गया नॉन इकोनॉमिक नॉट रिलेटेड टू मनी ओके okay? एक्टिव और आर वोन दे आर नॉट अंडरटेकिंग फॉर द मोनिट्री गेन दे आल्सो कॉल द अनपेड एक्टिविटीज़ ठीक है उनको पैसा नहीं मिलता है पूजा पाठ हो गया शॉप कीपिंग हाउस कीपिंग हो गई जैसे मदर है उन काम करती है उनको पैसा नहीं मिलता घर का काम करती हैं ठीक है हेल्पिंग अ पुअर और डिसबलिटीज सो डिसबल इट इज सी ओके स्टूडेंट इकोनॉमिक और नॉन इकनॉमिक क्लियर हो गया इकनॉमिक रिलेटेड टू मनी जिसको हम करने से जिस एक्टिविटी से हम अर्न करते हैं और जिस एक्टिविटी से हमें कोई गेन मोनिट्री गेन नहीं होता है दे कॉल बी नॉन इकनॉमिक एक्टिविटीज ओके क्लासीफिकेशन ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ वेरियस इकनॉमिक एक्टिविटीज कैन भी क्लासीफाइड इन टू तीन या अपनी फैक्टर्स जो हैं सेक्टर्स अपने पहले भी पढ़े बच्चे प्राइमरी सेकेंडरी टर्ड ट्रश्री लेट बी स्टार्टेड अगेन लर्न इट Okay, I memorize it. The three main factors that are primary sector, secondary sector, and tertiary sector. The primary sector, including the activity of agriculture, forest, animal husbandry, fishing, poultry, farming, mining. Okay, uh, student to primary activity are they all related to naturally. ओके एग्रीकल्चर रिलेटेड टू नेचर एनिमल हजबेंड्री रिलेटेड टू नेचर ओके सेकेंड सेकेंडरी में क्या होता है इनका जो प्रोडक्शन होता है उनको चेंज करना सेकेंड गुड आर प्रोडक्ट बाय द एक्सप्लोरिंग नेचर इन द सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल लार्ज ओके कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज इंक्लूडेड द टर्सरी सेक्टर इज क्या होता है हेल्प करना प्रोवाइड वेरिया टाइप्स ऑफ सर्विस लाइक द ट्रांसपोर्ट एजुकेशन बैंकिंग इंश्योरेंस हेल्थ और टूरिज्म इट इज़ एके स्टूडेंट फर्स्ट में फार्मिंग दे रिलेटेड ऑन नेचर सेकेंड में मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नेचुरल एनिमेंट्स एंड थर्ड में थर्ड में क्या होता है टर्सरी में क्या होता है सर्विस प्रोवाइड करना ओके इन इंडिया ट्रेडिशनली देयर इज़ अ डिविज़न ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन ओके ये नो वेरी वेल हमारे देश में जो है ट्रेडिशनली मैन और वुमेन का काम डिस्ट्रीब्यूट है कि मैन को बाहर काम करना है वुमेन को घर के अंदर काम करना है बट अदर uh, uh, जो कंट्रीज़ हैं उसमें ऐसा नहीं है बट हमारी ट्रेडिशनली ट्रेडिशन ही ऐसे ये जो पहले से ऐसे बन के आए हुए हैं एक्टिविटी ऑफ वूमेंस वूमेन्स का काम क्या होता है

द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड अबॉन द लिटरेसी रेट कि एक पॉपुलेशन कितना पढ़ा लिखा है लाइफ एक्सपेक्ट सॉरी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी जो जीवन प्रत्याशा है स्किल इंफॉर्मेशन है एक्वायर्ड बाय द पीपल ऑफ़ द कंट्री एक कंट्री में कितनी हमारी पॉपुलेशन लिटरेसी रेट इंक्रीज है स्किल्स डेवलपमेंट है और नॉलेज ऑफ अबाउट द ऑल अराउंड ऑफ इट द कॉल बी एजुकेटेड पॉपुलेशन ओके अब हम देखेंगे कि एजुकेशन का क्या रोल होता है एज ए ह्यूमन रिसोर्स इन लेट बी स्टार्ट इट रोल ऑफ एजुकेशन इज टू इंपॉर्टेंट स्टूडेंट विदाउट एजुकेशन ए कंट्री कभी डेवलप नहीं कर सकती तो एजुकेशन इज जस्ट ए पावरफुल